Yes, Chilen. Now we are going to start the next topic, Ampere circuit and law. In the last lecture, we have discussed about the applications of Biot-Savart's law. Basically, Biot and Savart's law is used to find the magnetic field due to the current carrying elements, just like a circular coil on its center, on axial line, or a straight conductor, etc., etc. There is another kind of law which is Ampere circuit law. Again, this law is used to find the magnetic field due to different current carrying conductors. The current carrying conductors may be in the different form. It may be the straight conductor, it may be in the spiral form or in any other form. So what is this law? So basically hame law samajh aa gaya hai ki Ampere circuit law kya hai. Ye kisi bhi current carrying conductor ki wajah se magnetic field nikalne ke kaam aata hai. इसको हम एम्पियर सर्किट लॉ कहते हैं। जैसे गॉस थ्योरम में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम पढ़ते थे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए काम आती थी गॉस थ्योरम, ये गॉस लॉ। यहां पर एम्पियर सर्किट लॉ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए काम आता है ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अब देखिए लॉ क्या होता है, क्या स्टेटमेंट है इसका। इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ इन वैक्यूम, line integral of magnetic field over a closed path. This circle indicates that the path should be closed, and this is the sign of integration. And since it is dl, so line integral means dl over a of kiska magnetic field induction over a closed path in vacuum is equal to mu naught times, what is mu naught? Absolute permeability times the net current flowing through that path. क्या कह रहे हैं इसमें, net current flowing through that path. तो इसको हम कह रहे हैं line integral of magnetic field over a closed path in vacuum or free space is mu naught times the net current flowing through the surface enclosed by that closed path. ये डेफिनेशन होगी और ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको प्रूव करते हैं। देखिए प्रूव कैसे करेंगे, अगर इसका हमें प्रूफ लेना है तो प्रूफ के लिए सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा आपको, को क्लोज पाथ इमेजिन करना होगा। सपोज दिस इज ए कंडक्टर एंड दिस कंडक्टर कैरीज करंट आई एंड देयर इज ए डिस्टेंस ए फ्रॉम दिस एंड लेट अस हैव ए क्लोज्ड पाथ, लेट अस इमेजिन ए क्लोज्ड सर्कुलर पाथ हैविंग दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर अलोंग इट्स एक्सिस। तो क्या हमने इमेजिन किया, ये कोई एक्स वाई करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर, और इसमें ए रेडियस का एक क्लोज्ड पाथ है। जैसे ये मान लीजिए इसमें ए रेडियस का एक क्लोज्ड पाथ आप इमेजिन करें, और ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। और ये करंट कैरिंग कंडक्टर कहां पर है, ऑन एक्सिस ऑफ दिस पाथ, इसके एक्सिस पर है। अब यहां से देखिए क्या निकालते हो आप, यहां से हमें लाइन इंटीग्रल निकालना बी डॉट डीएल, और कितना आना चाहिए, म्यू नॉट आई आना चाहिए। अच्छा एक फॉर्मूला हम लर्न कराते हैं यहां पर। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं पॉइंट पी, पहला स्टेप लेंगे आप मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द कंडक्टर, ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैसे वाला कैरिंग करंट बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए, ये फॉर्मूला होता है। बेसिकली बायट-सेवर्ट लॉ से हम डेराइव करते हैं इसको, अभी ये सिलेबस में नहीं है इसका डेरिवेशन, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, फिर इसको हम एम्पियर सर्किट लॉ से ही डेराइव करेंगे। ऑलराइट, तो एक फॉर्मूला हमें लर्न करना पड़ेगा, ये स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड ये होता है, और रूल जो डायरेक्शन का है वो हम जानते हैं राइट हैंड पाम रूल है। अगर हम यहाँ राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करेंगे देन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड डीएल बोथ विल बी इन द सेम डायरेक्शन। इफ यू विल कंसीडर एलिमेंट डीएल देन बी एंड डीएल बोथ विल बी इन द सेम डायरेक्शन और थीटा विल बी जीरो, दोनों के बीच का थीटा जीरो होगा। क्यों होगा, डीएल तो आप जानते हैं किसके अलोंग होता है, अलोंग द टेंजेंट। अगर आप ये कोई सर्कुलर लूप इमेजिन कर रहे हैं, अगर ये देखिए हम इससे समझाने की कोशिश करते हैं, ये वैसे तो सर्कुलर लूप नहीं है, ये ऊपर नहीं है, अगर ये एक सर्कल ले रहे हैं तो देखिए ये तो टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया,
तो बताइए टेंजेंट किसके अलोंग हो गया, अलोंग द टेंजेंट, तो ये सॉरी जो मार्कर है किसके अलोंग होगा, अलोंग द टेंजेंट, तो जो डीएल की डायरेक्शन होगी। और अगर सेंटर से करंट कैरिंग कंडक्टर है तो जब सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे राइट हैंड पाम रूल से तो वो भी किधर आएगा, इनवर्ड्स आएगा। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड थम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट ऊपर लिया, मैग्नेटिक फील्ड किधर हुआ, इनवर्ड्स, तो इनवर्ड्स किधर हो गया, अलोंग द टेंजेंट, दैट्स व्हाई बी एंड डीएल बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में है। और इफ बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन देन लेफ्ट हैंड साइड यू कैन अप्लाई व्हाट इज बी डॉट डीएल ओवर ए क्लोज पाथ दैट इज बी डीएल कॉस जीरो, दैट इज बी इंटीग्रल डीएल कॉस जीरो इज वन, and what is b mu naught I upon 2 pi a, and what is integral dl, dl is the small part of this circle, इसका छोटा सा टुकड़ा dl है। अगर आप integral dl लेना चाहते हैं तो total length of this circular path हो जाएगी, that is 2 pi a and it will be cancel out and that is mu naught I, so b dot dl integral b dot dl is equal to mu naught I, ये formula था। तो बच्चों this is the proof of which एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ का ये प्रूफ है। और इस एम्पियर सर्किटल लॉ को हम अप्लाई करके अलग अलग केस में क्या डेराइव करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड डेराइव करेंगे। तो ये तो हो गया इसका प्रूफ, हो गया स्टेटमेंट एंड प्रूफ। चलिए अब इसके हम एप्लीकेशन लेते हैं, लेट्स कम टू द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, एप्लीकेशन एप्लीकेशन of ampere circuital law. First application is magnetic field due to an infinitely long current carrying conductor, infinitely long current carrying conductor, जो infinitely long current carrying conductor है उसकी वजह से कितना magnetic field होगा ये हमें formula derive करना है। तो देखिए बिल्कुल सेम डायरेक्शन सेम डायग्राम बनेगा, लेट एक्स वाई इज एन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट आई, कैरिंग करंट आई, ये करंट है, ये कंडक्टर आपने माना। अब पहली इमेजिनेशन जैसे आप गॉसियन थ्योरम को प्रूव करने के बाद जब एप्लीकेशन लेते थे तो हमें कोई गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी होती थी, ठीक कुछ उसी तरह की कंडीशन यहां भी बनेगी। आपको एक क्लोज लूप इमेजिन करना पड़ेगा सिमेट्रिकली, और वो क्लोज लूप क्या होगा, अगर ये वायर है तो यहाँ एक इस तरीके से ए रेडियस का एक आप सर्कुलर क्लोज लूप मान सकते हैं जो उसको सिमेट्रिकली एनक्लोज करेगा, और कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, ए पर, क्यों, यहाँ पी पॉइंट पे क्या निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको क्या करना है, लेट पी इज पॉइंट, कहां पर है पॉइंट, एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए फ्रॉम द कंडक्टर, कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और किसकी हेल्प से निकालना है, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आपने क्या इमेजिन किया, कंसीडर किया, कंसीडर अ क्लोज्ड विच सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस, कितना रेडियस ए, हैविंग कंडक्टर अलोंग इट्स एक्सिस, कंडक्टर अलोंग इट्स एक्सिस, बस ये एक स्टेप इंपॉर्टेंट होता था, सबसे पहले क्लोज्ड पाथ इमेजिन करना पड़ेगा आपको। तो सिमेट्रिकली अगर ये कंडक्टर है इसके अराउंड एक क्लोज्ड पाथ आप ले लीजिए, ए रेडियस का क्लोज्ड पाथ होगा, और ये इसको जो कंडक्टर है इनफाइनाइटली लॉन्ग दैट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस सर्कुलर। अब इसमें हम सबसे पहले निकालते हैं क्या, इंटीग्रल बी डॉट डीएल। अब देखिए इसमें भी तीन स्टेप है, पहला स्टेप तो पूरा हो गया, पहला स्टेप तो थ्योरेटिकल था, इमेजिनेशन वाला था, कंसीडर करने वाला था, वी हैव कंसीडर द, क्या कंसीडर किया हमने, क्लोज्ड पाथ हमने कंसीडर किया है ए रेडियस का। अब नेक्स्ट स्टेप लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड बताइए कितना आ जाएगा, बी डॉट डीएल कितना होगा बताइए, इंटीग्रल बी डीएल कॉस 0, ये बना हुआ डायग्राम, ये स्मॉल एलिमेंट डीएल, बी और डीएल दोनों की डायरेक्शन सेम, थीटा की वैल्यू जीरो, बी की डायरेक्शन किससे निकालते हैं, राइट हैंड, किस रूल से, पाम रूल। अच्छा इधर भी ले सकते थे, अगर आप इधर लोगे तो देखिए डायरेक्शन किधर हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा बी और यही एक एलिमेंट आ जाएगा डीएल, बोथ आर अगेन इन द सेम डायरेक्शन। तो आइदर यू कैन टेक ऑन दिस साइड और यू कैन टेक ऑन दैट साइड, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन।
अब बताइए कितना हो जाएगा, दैट इज बी इंटीग्रल डी एल, और व्हाट इज इंटीग्रल डी एल, दैट इज इक्वल टू 2 पाई ए। ये तो आप जानते हैं, डी एल इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द सर्कल एंड इंटीग्रल डी एल इज द टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर पाथ दैट इज इक्वल टू 2 पाई ए। ये इतना स्टेप के लिए हो गया। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल दी, अब इसमें पहला स्टेप ये हुआ, दूसरा स्टेप ये हुआ, थर्ड स्टेप क्या हो गए, बाय अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, बाई अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या लॉ है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और बी इंटू टू पाई ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए। ये फॉर्मूला, सो दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से, ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट। इफ द करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी दस लाइक दैट, अगर ये कर्ल बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, सो एट दिस पॉइंट अलोंग दिस टेंजेंट, एट दिस पॉइंट अलोंग दिस टेंजेंट, एट दिस पॉइंट अलोंग दिस टेंजेंट, एट दिस पॉइंट अलोंग दिस टेंजेंट। सो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसकी वजह से वो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन में होगा, और सिमेट्रिकली इसमें देखिए अगर हम कहें कौन सी सिमेट्री कर सकती है, जैसे इसका रिफिल इमेजिन करो, रिफिल और इसके बाद क्या है मार्कर है, तो मार्कर कैसी सरफेस है, सिलिंड्रिकल है, और रिफिल कहां है, इसके एक्सिस के अलोंग है, तो अगर रिफिल को हम करंट कैरिंग कंडक्टर मान लें, तो ये जो सिलिंड्रिकल है, जो ये मार्कर है सिलेंडर, इट एनक्लोजेज दिस करंट कैरिंग कंडक्टर सिमेट्रिकली, तो इसमें बेसिकली स्ट्रक्चर जो बनती है वो सिमेट्री किसके अलोंग है, सिलेंडर के अलोंग है, हैविंग दिस कंडक्टर अलोंग इट्स सेंटर। सिमेट्री का मतलब जिसके सरफेस पर एवरीवेयर द मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम, सब पर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगा, और मैग्नेटिक फील्ड नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन करंट बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ए। जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी, कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप इंक्रीज करेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड goes on decreasing, but as the magnitude of the current goes on increasing, that magnetic field will also increase. Magnetic field bhi kya karega, increase karega. So this is the formula of magnetic field at a perpendicular distance a from an infinitely long current carrying conductor or infinitely long conductor carrying current I. ये समझ आया कि नहीं, अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगा, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो देखिए ये बनेगा, थंब नीचे आ जाएगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, और अगर करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे निकालोगे, आप टेंजेंट निकालोगे, जहां भी आप निकालना है, इस वाले पॉइंट पर इधर होगा, इस पॉइंट पर इधर होगा, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होगा, यहां इधर होगा, यहाँ इधर होगा, अलग अलग प्लेस पर अलग अलग पॉइंट पर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की अलग अलग होगी, बट द मैग्नीट्यूड इज दिस वन। ओके, अब इसमें देखिए ये तो हो गया डेरिवेशन, पहला एप्लीकेशन पूरा हो गया ये। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए हम इसमें एक स्पेशल केस लेते हैं, नाउ वी कम टू अ स्पेशल केस, क्या होगा देखिए स्पेशल केस ये लेगा नियर वन एंड ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, infinitely long conductor, and again at perpendicular distance a from it. अगर हम यहां निकालना चाहें, ये एक एंड है, इस पॉइंट पर आप a डिस्टेंस पर निकालना चाहें, तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं, b equal to mu naught I upon 4 pi a, ये फॉर्मूला बनता है, हाफ हो जाता है अगर किसी भी एक एंड पर लेते हैं, either on this end or on this end, दोनों जगह अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाता है, और इसको हम डेराइव करते हैं बाय सेवर्ट लॉ से, हमने पहले ही बताया कि ये आपके सिलेबस से हटा दिया डेरिवेशन, इस वजह से उस फॉर्मूले को हम डेराइव करते हैं। अभी हम बताएंगे फॉर्मूला लिख के कैसे फॉर्मूला आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। तो देखिए सेंटर में तो आपने डेराइव कर दिया, नियर दिस एंड कितना होगा म्यू नॉट आई अपॉन हाफ हो जाएगा 4 पाई ए, यहाँ कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और ये ऑलरेडी हमने बताया था अगर कंडक्टर की सीध में लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। क्यों होता है जीरो, हमने बाय सेवर्ट लॉ से बताया था अलोंग द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, सो अलोंग द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, एट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, एंड नियर वन एंड ऑफ द कंडक्टर इट बिकम्स म्यू नॉट आई अपॉन हाउ मच 4 पाई ए, 4 पाई ए। ओके, नेक्स्ट स्टार, नेक्स्ट, ये तो स्पेशल केस हो गया इसका,
नेक्स्ट स्टार इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करेंट कैरिंग कंडक्टर, कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। अब कैसे लेंथ ले रहे हैं? फाइनाइट लेंथ। अगर इनफाइनाइट लेंथ नहीं है, फाइनाइट लेंथ है, तो इसका हम फॉर्मूला डायरेक्ट बताते हैं बिना डेरिवेशन के। तो इस फॉर्मूले को बच्चे लर्न कर लेना। देखिए क्या आएगा, ये अगर फाइनाइट लेंथ का कोई कंडक्टर है, सपोज दिस इज द कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, क्या डिफरेंस है इसमें और पहले वाले में? हमने पहले वाले में ये बनाया था, ये बनाया था जो इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक वेरी लॉन्ग कंडक्टर एक्सटेंड करता है। तो अगर हम ये डॉटेड लाइन हटा देते हैं तो ये कंडक्टर कैसा मान लेते हैं? फाइनाइट लेंथ का मान लेते हैं। और यहाँ ए पॉइंट डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये ए, और इफ दिस एंगल इज फाइ वन, दिस एंगल इज फाइ टू, देन एंड आई इज द करंट, देन एट पॉइंट पी मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन ए साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। दिस इज द फॉर्मूला। यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला डायरेक्टली विदाउट डेरिवेशन फॉर फाइनाइट लेंथ। बेसिकली कॉम्पिटिशन में इनफाइनाइट लेंथ के साथ साथ कई बार फाइनाइट लेंथ की प्रॉब्लम आ जाती है। तो जैसे कोई स्क्वायर है, स्क्वायर के सेंटर पे निकालिए, कोई आपका एक क्या है रेक्टेंगल है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, तो वहाँ ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, वहाँ ये फॉर्मूला काम करेगा। बट इज फाइव वन एंड फाइव टू, फाइव वन इज द एंगल, कौन से वाला एंगल है, कौन से वाला एंगल होगी बच्चों? अगर ये मिडल पॉइंट आप कोई ओ मान रहे हैं, ओ पी वाई, एंड फाइव टू इज एंगल ओ पी एक्स, ये एंगल फाइव वन और फाइव टू है। किसी को भी आप फाइव वन फाइव टू मान लीजिए, ये फाइव वन हो सकता है, फाइव टू हो सकता है। और जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी, फाइव वन फाइव टू की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज। लेंथ अगर कम होगी तो फाइव वन फाइव टू की वैल्यू क्या करेगी? इसमें डिक्रीज करेगी। अच्छा देखिए, इसी को इनफाइनाइट लेंथ का बताते हैं, इसी से इनफाइनाइट स्पेशल केस। अगर हम इनफाइनाइट लेंथ के लिए अप्लाई करें यही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई कर रहे हो? इनफाइनाइट लेंथ के लिए। तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए क्या आएगा? देखो इसको इनफाइनाइट लेंथ करो, इसको इनफाइनाइट लेंथ करो। अब ये इनफाइनाइट लेंथ ऊपर जाएगा, ये इनफाइनाइट लेंथ ऊपर जाएगा, देखो मिलेगा ना। तो बताइए फाइव वन की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं, और फाइव टू की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर इनफाइनाइट लेंथ है तो बताइए ये और ये दोनों लाइन कैसे हो जाएंगे पैरेलल? आप जानते हैं पैरेलल लाइंस कहां पे जाके मिलती हैं? एट इंफिनिटी। तो बताइए फाइव वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। और फाइव टू की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 90। तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए फाइव वन इज इक्वल टू फाइव टू इज इक्वल टू 90, और बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 90। वन प्लस वन कितना हो गया? टू, और टू से कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन टू बाई ए। और यही फॉर्मूला हमने डेराइव किया था, किसे डेराइव किया था? बाई एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ से ये फॉर्मूला हमने डेराइव किया था। तो फाइनाइट लेंथ में अगर फाइव वन फाइव टू की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, देन कंडक्टर विल बिकम वेरी लॉन्ग, और इन फाइनाइट लेंथ under that condition phi 1 and phi 2 will become 90 degree, and when you will put these two values over here then you will get mu naught I upon 2 by a। acha dekhi ek cheez aur batate hain, agar hum isi ko yahan se maan lijiye ki near one end lena chahe, if you want to calculate it, ye to aapka point tha, if you want to take it near this end, theek hai, ye perpendicular distance kitna hai? a hai। to bataiye yahan se ye wala angle kitna hoga? ye angle to aapka kitna ho gaya? phi 2 ho gaya। और ये वाला एंगल फाइव वन की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। कैसे होगी फाइव वन की वैल्यू जीरो? फाइव वन तो इस वाले पॉइंट से बनता था, और ये जो लाइन है, अब ये लाइन कैसे होगी? इसमें परपेंडिकुलर हो गई। तो यहां से ईच लाइन मेक्स एंगल जीरो डिग्री विद इटसेल्फ, और फाइव टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 90? बिकॉज लेंथ इज इनफाइनाइट। तो अगर आप एक एंड पे लेना चाहते हैं इनफाइनाइट कंडक्टर की, तो जो फाइव वन था यहां से, ये पॉइंट यहां शिफ्ट हो गया है, और जैसे ये पॉइंट यहां शिफ्ट होगा तो फाइव वन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, फाइव टू की वैल्यू 90 हो जाएगी। और अगर आप इसी फॉर्मूले में फाइव वन की वैल्यू आप रखिए कितनी बच्चों? जीरो, और फाइव टू को रखिए 90, देन बी विल बिकम म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन ए साइन कितना हो जाएगा? जीरो प्लस साइन 90। साइन जीरो कितना होता है? जीरो। साइन 90 कितना होगा? वन। द फॉर्मूला विल बी म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए। बताइए यही फॉर्मूला हमने बताया कि नहीं लर्न करने के लिए, जो स्पेशल केस बताया था। तो नियर वन एंड ऑफ द कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए।
और केवल इसी एंड पर नहीं, आप इस वाले एंड पर भी बात कर सकते हैं। अगर हम इस वाले एंड की बात करेंगे, यहाँ पी पॉइंट होगा, तो यहाँ फाइव टू की वैल्यू जीरो हो जाएगी और फाइव वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। अब देखिए को डायग्राम इस तरह का बनेगा, और जब ये इनफाइनाइट लेंथ है तो ये जो एंगल है फाइव वन ये बढ़ेगा, और जब दो पैरेलल लाइन बनेगी तो फाइव वन कितना हो जाएगा 90 और फाइव टू कितना हो जाएगा जीरो। अंडर दैट कंडीशन दिस इज साइन 90, दिस इज साइन जीरो, अगेन यू विल गेट म्यू नॉट आई अपॉन 4πa, म्यू नॉट आई अपॉन 4πa। अब देखिए इतना पढ़ने के बाद आपके पास कंक्लूजन क्या निकला, रिजल्ट क्या आया निकल के, कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, दो फॉर्मूले बने, एक फॉर्मूला बना फाइनाइट लेंथ के लिए। अब हम यहां देखिए समरी बना देते हैं, एक फॉर्मूला है फाइनाइट लेंथ के लिए, ये फॉर्मूला होगा आई करंट होगी, एक्स वाई होगा, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दिस इज फाइव वन एंड दिस इज फाइव टू। और इसके लिए क्या फॉर्मूला बना पी पॉइंट पर, अगर ये डिस्टेंस ए है बोलो कितना बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन ए साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, ये फॉर्मूला बन गया, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये तो इसके लिए बन गया। और अगर हम दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं किसके लिए, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट लेंथ को बताने का तरीका हमने बताया, ऊपर भी ऐसे डॉट डॉट बना दीजिए, नीचे भी बना दीजिए, आई इसमें करंट है, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहां फॉर्मूला बन रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, नियर वन एंड इट विल बिकम म्यू, अगर ए डिस्टेंस है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और अगर इस वाले एंड पे ले रहे हैं देन बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। तीन फॉर्मूले बने, तो ये फॉर्मूला बना मिड पॉइंट के मतलब सेंट्रल रीजन में, ये कहां बना नियर द वन एंड ऑफ द कंडक्टर, ये कहां पे बना नियर द वन एंड ऑफ द कंडक्टर, ये ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, दिस इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, ये फाइनाइट लेंथ के लिए, ये इनफाइनाइट लेंथ के लिए बना, आई करंट और ए क्या इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बताइए बात क्लियर हुई कि नहीं, ये बात समझ आई कि नहीं। तो ये फाइनाइट लेंथ के फॉर्मूले से हमने इनफाइनाइट लेंथ का फॉर्मूला हमने डेराइव कर दिया है, तो इसका ये डेरिवेशन हमारे सिलेबस में था इनफाइनाइट का, इसका फॉर्मूला हमने आपको डायरेक्ट बताया बिना डेरिवेशन के, इसको अप्लाई करना सिखाया। और कहां पर अप्लाई कर सकते हैं आप इस केस को, अच्छा अप्लाई करने से पहले हम ये भी तो बता सकते हैं डायरेक्शन क्या होगी, बताइए डायरेक्शन के, तो राइट हैंड स्लैब रूल लगाओ भाई, जिसको राइट हैंड पर हमने बताया था थंब इधर रखो, ये पॉइंट किधर, बताओ किधर आएगा, अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ। और अगर आप इसको सेंटर मान करके सर्कल बनाओगे तो कैसा बनेगा, कर्ण बनेगा, राइट हैंड थंब रूल बन जाएगा, ये बनेगा डायरेक्शन। अब जहां जिस पॉइंट पे भी टेंजेंट है आप ड्रॉ करते जाइए, डायरेक्शन मिल जाएगी। अगर हम यहां पर जैसे कहां पर ये अप्लाई होगा, ये ऐसे केस में अप्लाई होगा फॉर्मूला, अगर मान लीजिए कोई स्क्वायर है ठीक है, जिसकी साइड कितनी है ए है और करंट कितना है इसमें आई है, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेके समझते हैं, कौन सा एग्जांपल है, फाइनाइट लेंथ का एग्जांपल, फाइनाइट लेंथ का एग्जांपल लेते हैं। आपसे कहा जाए कि ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, और ये साइड कितनी है मान लीजिए ए है, ये साइड भी कितनी है स्क्वायर है तो ए है, ये साइड भी कितनी है ए है, एंड सपोज आई इज द करंट फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ऐसे केस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें एम्पियर सर्किट लॉ डायरेक्टली नहीं लगेगा, बायट सेवर्ट लॉ डायरेक्टली नहीं लगेगा, इसमें तो फाइनाइट लेंथ वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो, देखो ये यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ कितना होगा, ए बाई टू, ये ए है तो हाफ हो जाएगा कि नहीं, ये एंगल बताओ स्क्वायर में कितना होता है 45, ये एंगल कितना होता है 45, अगर ये 45 कहीं भी एक जगह निकाल लीजिए, अगर इधर से निकालोगे तो ये एंगल 45 और ये एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री, तो व्हाट इज 51 45, व्हाट इज 52 45, व्हाट इज दिस ए कितनी वैल्यू होगी ए बाई टू, तो बताइए बी कितना हो जाएगा। अगर इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे बी एट पॉइंट ओ, पहले एक वायर की वजह से निकालिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए बाई टू साइन 45 प्लस साइन 45, और साइन 45 जानते हैं 1 बाई रूट 2 होता है, तो कितना आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 बाई ए, दैट इज आई एंड दिस इज 2 बाई अंडर रूट 2, ये फॉर्मूला बनेगा ठीक है, एक वायर की वजह से आएगा। डायरेक्शन बताओ किधर होगी, इसमें किधर होगी इनवर्ट्स, अब दूसरे वाले की वजह से रो, इसकी वजह से किधर आएगी इनवर्ट्स, ऊपर वाले की वजह से भी कैसा आएगा इनवर्ट्स, और इधर वाले की वजह से कैसा आएगा इनवर्ट, तो कितने सेगमेंट है 1, 2, 3 एंड 4, चारों सेगमेंट का अगर आप अलग अलग फाइंड करोगे तो कितना बनेगा टोटल, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या चारों टर्म्स का इक्वल है 4 टाइम्स क्या करोगे एड कर दोगे,
या फिर 4 से क्या करोगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट इज मल्टीप्लाइड बाई 4 इनटू दिस वन. सो दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड ए कैरिंग करंट आई. अब इस पे न्यूमेरिकल बन सकता है, I की वैल्यू दे देंगे, A की वैल्यू आपको दे दी जाएगी. मान लीजिए इसमें 20 एम्पियर का करंट है और इसका जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है, और इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड. और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 10^-7. तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई आई अपॉन ए अंडर रूट 2 और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अलग से आ जाएगा. एंड डायरेक्शन का किधर होगी इसमें डायरेक्शन, सब में देखो किधर आ रही है, इनवर्ड्स परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ स्क्वायर एंड इनवर्ड्स इनवर्ड्स. तो देखिए हमने ये फॉर्मूले भी बता दिए, फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है वो बता दिया है. इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो कौन सा फॉर्मूला होगा, मिड रीजन में होगा तो कौन सा लगेगा, नियर वन एंड है तो कौन सा लगेगा, फाइनाइट लेंथ है तो कौन सा फॉर्मूला होगा, फाइनाइट लेंथ से अगर स्क्वायर बनता है तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे. सो दिस इज ए वे टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर कैरिंग करंट. ओके तो ये पूरा का पूरा बाय एम्पियर सर्किट लॉ, इसका एम्पियर सर्किट लॉ का डेरिवेशन, उसका स्टेटमेंट, उसका प्रूफ, और उसके बाद में हमने क्या किया इसका एप्लीकेशन दिया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड कैरिंग करंट. ये सारा एक पूरा का पूरा आपका मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफी हेल्पफुल होगा, राइट. चलिए पहला एप्लीकेशन हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन लेंगे.